और अब एटमी खतरों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। न्यूक्लियर खतरे के बीच रूसी बॉर्डर के पास नाटो फोर्स का शक्ति प्रदर्शन जारी है। नाटो के 10,000 सैनिक इस ड्रिल के जरिए डमी हमलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एस्टोनिया के बेस पर जारी ड्रिल में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने घातक मिसाइलों से डमी टारगेट ध्वस्त किए। रूस की न्यूक्लियर धमकियों के बाद जर्मनी ने यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉरस मिसाइलें देने से इनकार कर दिया। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेन ने 500 किलोमीटर रेंज वाली टॉरस मिसाइलें देने का फैसला टाल दिया है। रूस पर अटैक करने के लिए यूक्रेनियन फोर्स की स्पेशल ट्रेनिंग जारी है। रूस के शहरों में घुसकर हमले करने के लिए यूक्रेन की एयरफोर्स के साथ कमांडो दस्ते को लगाया गया। अटैक हेलीकॉप्टर के जरिए लैंडिंग और स्ट्राइक की रिहर्सल का वीडियो भी सामने आया है। न्यूक्लियर थ्रेट के बीच यूक्रेन की फोर्स ने क्रीमिया में बड़े ड्रोन हमले को अंजाम देने की कोशिश की। रूस ने दावा किया कि क्रीमिया पर एक साथ सीरियल हमलों की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। क्रीमिया में 5 यूक्रेनी ड्रोन ध्वस्त किए गए हैं। रूसी कब्जे वाले मारियोपोल में अब एयरपोर्ट खुलने वाले हैं। मारियोपोल पर कब्जा पुख्ता करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने आज हाई लेवल मीटिंग की और कहा कि मारियोपोल के अलावा डोनेस्क, लुहांस, खेरसोन और ज़ेपोरिज़्या में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहाल होगा। रूस की न्यूक्लियर धमकियों के बीच यूक्रेन ने F-16 वाले प्लान का खुलासा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रेज़निकोव ने कहा है कि F-16 फाइटर जैसे गर्मियों के बाद स्ट्राइक शुरू होगी। न्यूक्लियर थ्रेट के बीच प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने नाटो को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध में अगर रूस की फतह हुई तो यूरोप में सर्वनाश तय है। भीषण युद्ध यूक्रेन की सीमाओं से बाहर निकलकर यूरोप के कई देशों को झुलसा देगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलविन ने महायुद्ध में यूक्रेन की जीत का दावा किया। एनएसए सुलविन ने कहा, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव रूस पर भारी पड़ेगा और रूसी कब्जे वाले इलाकों पर भी जल्द यूक्रेन की फतह होगी। पैसिफिक में अब रूस की सैन्य तैयारियां तेज हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पैसिफिक फ्लीट के 60 युद्धपोत, सबमरीन, 35 फाइटर जेट और 11,000 से ज्यादा सैनिक डमी हमलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जापान सागर से ओखोट्स सी तक रूस का शक्ति प्रदर्शन जारी है।